देश इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में सांसदों ने बुधवार यानी कि आज लाल किले से लेकर विजय चौक तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा लिए इन सांसदों में इस दौरान उत्साह देखने को मिला। इस रैली को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सांसद पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा था कि संस्कृति मंत्रालय ने बुधवार को सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से इस रैली में शामिल होने का आग्रह किया था। ऐसे में बुधवार को सुबह लाल किले पर सांसद एकत्र होना शुरू हो गए थे। जोशी ने ये भी कहा था कि ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, ना कि बीजेपी की ओर से। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान पर खासा जोर देकर बीजेपी सांसदों से अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में लोगों को इससे जोड़ने का आग्रह किया था। नड्डा ने हर घर तिरंगा अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए पार्टी नेताओं से सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच प्रभात फेरी निकालने और पार्टी की युवा शाखा के नेताओं से बाइक के जरिए तिरंगा यात्रा निकालने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपने घरों पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तिरंगा लगाने का आग्रह किया था। ऐसा हर घर तिरंगा अभियान के तहत करने की अपील की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पार्टी के नेता 11 से 13 अगस्त तक बूथ स्तर पर प्रभात फेरी निकालेंगे और इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पसंदीदा भजनों में से एक रघुपति राघव राजा राम और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाएंगे। नड्डा ने अपने संबोधन में सांसदों से कहा था कि इन कार्यक्रमों के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और उन बूथों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने का कहा जहां पिछले चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य।